हेलो एवरीवन, दिस इज मी सात्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के बाकी के महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेके 31 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। रीडिंग्स थोड़ी सी डिलेड है, थोड़ी सी नहीं शायद ज़्यादा डिलेड हो गई है, बट इट्स फाइन। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को यू नो पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो डेली रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं टॉरस के लिए क्या आने वाला है इस बाकी के महीने के अंदर। सो लेट्स सी। नाइन ऑफ सोल्स, आप किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो सकता है कि आपको आधी रात को जल्दी आंख खुल जाती हो आपकी और आपको समझ नहीं आता कि वाई इज़ दैट सो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देर इज़ अ मैसेज। शायद आप कोई ख्वाब में कुछ मैसेज पिक कर रहे हो, कोई ख्वाब में मैसेज आ रहा है, या फिर अदरवाइज भी कोई मैसेज आपको यू नो कोई आपको या तो मैसेज देना चाहता है या बात करना चाहता है। हो सकता है कि जब आप उठते हो, जब आप ख्वाब से उठते हो या नींद से उठते हो, तो क्या चीज़ पहली आपके जहन में होती है। हो सकता है कि आपके जहन में एक फ्लैश आता हो एक इंसान का, हो सकता है कोई सिचुएशन आती हो सकता है कि ख्वाब की वजह से आपकी आंख खुलती है। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आपको थोड़ा जो है जिसका आप ज़्यादा जिसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा अपसेट हो रहे हो सोचकर, और कहीं ना कहीं आपको रात को आपका सोना जो है वो थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुका हो, 15 से 20 तारीख के दरमियान में हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुका हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये होगा आने वाले दिनों में। देन वी डू हैव द मैजिशियन। आपका ये रात को उठना, इट्स अ पॉजिटिव साइन। आपको कुछ अच्छा मैसेज, कोई अच्छी गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, जो आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके काम के मामले से भी हो सकती है। हो सकता है कि इस बाकी के महीने के अंदर हो सकता है कि आपके साथ ये एक पैटर्न चलना शुरू हो। और अगर ऐसा होता है, हो सकता है कि रात को जब आपकी आँख खुले तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल चुकी हो लव लाइफ में। अगैन, काम के मामले में, किसी भी मामले में हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में जो कि आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। शायद आप अगर किसी को प्यार करते हो, आप कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो उस इंसान के साथ, हो सकता है कि जब आप सो रहे हो, आपकी आंख खुली हो और वो पर्सन आपको कॉल कर रहा है या आप उसको यू नो कॉल कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो एक नए मोड़ पर जाएगा। हो सकता है कि कोई भी यू नो अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, हो सकता है कि आप मेजर डील जो है वो कर सको अपने अपने वर्क से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड अराउंड द नाइट टाइम। मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, मिरेकल्स होते हैं जहाँ पे आप शायद रात को उठो और आपके पर्सन ने आपको टेक्स्ट में जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हुई हैं और आप उस मैसेज को देखते हो और आप यू नो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आपको लगेगा कि सारा कुछ मैजिकली इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी चीज़ है जो आपको उठा रही है रात को, इट्स कैन बी अ पॉजिटिव साइन, इट्स कैन बी अ पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव मैसेज आने वाला है आपकी तरफ। हो सकता है कि आपका स्पेसिफिक समवन उस टाइम पे आपके बारे में सोचता हो, और हो सकता है जब आप उठो, आपकी नींद से आंख खुले और आपका पर्सन उस टाइम पे आपको मैसेज करे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एट ऑफ सोल्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोल्स। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी रात को जब भी आँख खुलती है और आप जब भी यू नो इस तरह की सिचुएशन में आते हो, तो आप एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में सोचते हो, लेकिन समहाउ आप अपने आप को ब्लॉक फील करते हो। आप शायद अपना फ़ोन चेक करते हो, उसने मैसेज नहीं किया, फिर आप उसके बारे में सोचते हो और कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये सब हो रहा है जैसे कि हमने पहली सिनेरियो में हमने पिक किया। तो कहीं ना कहीं शायद आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। अगैन, देर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग शायद जो कि आप दोनों को करीब करना चाह रही है। आप जब सो के उठते हो, आपके जहन में एक इंसान होता है, आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस सिचुएशन को लेकर।
कहीं ना कहीं आपने जो अपने ऊपर ब्लॉक लगाए हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं इस कनेक्शन को लेके, वो खुद की इम्पोज की हुई हैं। अगर आप चाहो तो चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो सकता है कि राइट नाउ आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि आप अभी किसी रिलेशनशिप में जाओ। आप उस इंसान को मिस करते हो, आप उसके बारे में सोचते ज़रूर, लेकिन शायद आपको लगता है कि आप अभी इस तरह से स्ट्रांग नहीं हो, चाहे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, चाहे इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, इतने स्ट्रांग नहीं हो कि फैमिली को सब यू नो अप्रूवल ले सको, फैमिली को और फैमिली के अगेंस्ट जा सको। तो कुछ रीजंस हैं आपके दिलो दिमाग में जो कि आपको रोक रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनमें जो ये एनर्जी है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो, जहाँ पर आप रात को उठते हो, आपको आपका दिल करता है आप उस इंसान से बात करो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके दिल में उस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं। और अगर ये पर्सन की एनर्जी है तो उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, वो आपको मैसेज करना चाहता है, लेकिन समथिंग इज़ स्टॉपिंग दैट पर्सन एज वेल। अगर आपकी एनर्जी है तो आपको भी कुछ रोक रहा है उनको मैसेज करने से, लेकिन ये चीज़ लास्ट नहीं करेगी। और कुछ ऐसा होगा जो आप जब यू नो रिजिस्ट नहीं कर पाओगे और आप मैसेज करोगे, एंड इधर इफ यू हैव द डेथ, उस मोमेंट के अंदर आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आएगा। उस मोमेंट के अंदर आप अपनी लाइफ में वो कर जाओगे शायद जो आप कभी नहीं कर सके। सो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लेट नाइट आपकी आँख खुलती है एंड आप सोचते कि अरे नहीं ये क्या हुआ, क्यों हुआ, हो सकता है कि द डिवाइन इज़ गोइंग टू फिल योर हार्ट कि आपके अंदर या तो इतना करेज आ जाए कि आप उसको मैसेज कर दें, या आपके पर्सन के अंदर इतना करेज आ जाए कि वो आपको मैसेज कर दे सब कुछ भुला कर। सो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ पॉजिटिव जो है वो डेफिनेटली होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर इस टाइम के अंदर। सो देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम फ्रेम में। एम्बर अवेकन योर क्रिएटिविटी, नंबर 15। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक रखते हो तो इट्स गोना बी अ वेरी गुड टाइम। आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा ये टाइम फ्रेम। और एम्बर कलर अगर आप पहनना चाहो कपड़ों में, ज्वेलरी में, तो वो भी आप पहन सकते हैं। एम्बर स्टोन भी अगर आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आता कि आप उस इंसान को कैसे कॉन्टैक्ट करो, एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, रात को 2 से 3 बजे जितने बजे भी आप सोते हो, सपोज अगर आप 12 बजे सोते हो तो उसके 2 घंटे के बाद का अलार्म लगा के सो। जब सोगे, सोने से पहले आपने गाइडेंस सीख करनी है अपने रब से, और फिर आपने अपने एक मंत्रा की तरह आपने उसको रिपीट करते करते, जो भी आप जानना चाह रहे हो, जो भी जिसमें भी आप गाइडेंस चाह रहे हो, आपने उसको बोलते बोलते रिपीट करते करते सो जाना है। जब आपका अलार्म बजेगा उस टाइम पे जब आप उठोगे तो जस्ट सिट फॉर सम टाइम, यू विल बी गेटिंग द गाइडेंस। ये आप ट्राई कर सकते हो और आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे लव लाइफ का मामला है, चाहे किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आप अटके हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ करनी चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेगा टू नो एंड अंडरस्टैंड। देखते हैं और क्या मैसेज है आपका। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको लगता है कि आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, या आपके पर्सन को लगता है कि उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और वो चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं, सम हाउ सिचुएशन इवॉल्व हो रही है और बेहतर हो रही है। सो देयर इज़ नो नीड टू फियर और वरी अबाउट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ, एवरीथिंग इज़ फाइन। फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके दिल में प्यार है, लेकिन आप इस चीज़ को, इस कनेक्शन को अभी यू नो एक नाम नहीं देना चाहते, और कहीं ना कहीं शायद आप खुद उस इंसान को अपने आप को उस इंसान से बात करने से रोक रहे हो। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन आप करोगे, इस तरह का कोई भी चेंज आप लेके अगर आ चुके हो ऑलरेडी, और अब आपका दिल करता है कि आप उससे बात करो, लेकिन आपको चीज़ रोकती है कि ये ना हो कि वो आपको गलत मतलब ले जाएं, या उनका आपसे बात करना वो शायद ज़्यादा डिमांडिंग ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ आपके जहन में फियर की तरह आ रहा है, इवन तो आप उससे अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, आपका दिल करता है कि कनेक्शन आपका सही रहे, मजबूत रहे, लेकिन आप उससे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फियर है कि आप ज़्यादा अटैच हो जाओगे, या उसको फियर है कि वो ज़्यादा अटैच हो जाएगा, तो फिलहाल कनेक्शन को साइड पे करके फ्रेंडशिप जो है आपकी दोनों की, उसको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना आप फियर्स के साथ डील करना शुरू करोगे चीज़ों के साथ, स्ट्रेस लेवल्स आपके हाई रहेंगे, आपके भी और आपके पर्सन के भी। सो मेक श्योर कि इस चीज़ को अपने लिए टफ नहीं करो, ना ही अपने पर्सन के लिए। जस्ट गो ईजी अराउंड इट, नहीं करना रिलेशनशिप नहीं करो, जस्ट दैट कि जस्ट गो एज फ्रेंड्स फॉर नाउ। Your emotions are healing, which enables you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind.
शायद आपने हो सकता है कि पास में शायद आपने अपना प्यार एक्सप्रेस किया और आपके पर्सन ने आपको कहा कि मुझे शादी नहीं करनी या मुझे यू नो इस तरह का कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंडशिप चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ था जो कि आपको हर्ट करता है, बट स्टिल दोनों चाहते हो कि बात हो, कहीं ना कहीं शायद आप दोनों में वो चीज़ हो, ईगो ईगो इशू हो सकता है दोनों के अंदर, जो कि शायद आप दोनों को एक दूसरे से बात करने से रोक रहा है। लेकिन एंजल्स की तरफ से या गाइडेंस गॉड की तरफ से आपको गाइडेंस आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी और आपका दिल जो है कुछ ऐसा होगा जो कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे कम्युनिकेट करने के लिए, और वो तभी होगा जब आपका हार्ट हील हो चुका होगा उस पूरी सिचुएशन से, और आपका दिल करेगा कि नहीं, वी कैन स्टिल मेक इट वर्क, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, हम दोस्त रह सकते हैं, तब जाके चीज़ें मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सारा कुछ बाकी के महीने के अंदर होने वाला है। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग, प्लीज गाइस टेक केयर, बाय बाय।